अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं क्लास को शुरू करने से पहले। रब्बि शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस न्यू चैप्टर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, एंड इट्स अबाउट साइंस। ओके, लेट मी चूज द हाइलाइटर फर्स्ट। ओके, इट्स अबाउट साइंस एंड साइंटिफिक मैथड्स। साइंस के बारे में और साइंस के साइंटिफिक मैथड्स के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम साइंस के स्किल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्किल क्या होता है पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्किल किसी भी हुनर को कहते हैं कि आपके पास कोई स्किल आ जाए, आप वो काम कर सकें एटलीस्ट। जैसे अगर मैं नॉलेज कहूँ तो नॉलेज क्या है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास साइंस की इन्फॉर्मेशन आ गई। बट स्किल की बात करूँ तो आपके पास साइंस की ऐसी स्किल है जिसके जरिए आप कुछ और मजीद डिस्कवर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। स्किल्स किस तरह की होती है हम आगे वाली स्लाइड पे जाकर चेक करेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस को जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन एक लातिनी जबान को कहते हैं, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज। यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो इट्स अबाउट साइंस। नॉलेज किसकी बच्चों? नॉलेज मिले यूनिवर्स की, पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में जितना कुछ आपको पता चल सकता है आप वो पता कर लें। और ये जो कुछ भी पता चलेगा वो साइंस है। यानी कि आप आसमान पे चले जाएं, आप सैयारों पे चले जाएं, आप प्लैनेट्स पे चले जाएं, आप जमीन में चले जाएं, आप समंदर में चले जाएं, आप हवा में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आप जहाँ जहाँ जाकर जो जो कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, जो भी नॉलेज आप लेकर आएंगे वो सब यूनिवर्स का होगा। ठीक है, वो सब साइंस का होगा। साइंस की तीन बेसिक ब्रांचेस हैं, थ्री ब्रांचेस हैं साइंस की। पहली है बायोलॉजी, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है फिजिक्स। ठीक है, आप ये होता क्या है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये एक और डिटेल है, आपके लेवल पर नहीं है। थोड़ा आगे जाकर जब आप और मजीद पढ़ेंगे तो फिर आपको उसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। सही, तो आपने बस इतना याद रखना है कि साइंस का मतलब है नॉलेज, यूनिवर्स की नॉलेज। और साइंस की और तीन ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आगे चलते हैं, ये है साइंस प्रोसेस स्किल्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है एक्चुअली में। ये साइंस प्रोसेस स्किल्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोसेस स्किल्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रोसेस स्किल्स की, और उसके बाद एडवांस प्रोसेस स्किल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्रोसेस स्किल की। मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर लेती हूँ, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्जर्विंग का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप अपने सेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। कौन से सेंस का बच्चों? फाइव सेंसेस। जब आप अपने फाइव सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आईज, नोज, सॉरी विजन, हेयरिंग, टच, फील, टेस्ट, ये सब कुछ आ जाएगा, सारे पांच सेंसेस के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप अपने पांच सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से किसी चीज को देखने के लिए, वो ऑब्जर्विंग हो जाता है। फिर बात करते हैं उसके बाद कंपेयरिंग की। तो कंपेयरिंग क्या होती है बच्चों? कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को उसकी सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, एस मीन्स सिमिलैरिटीज, डी मीन्स डिफरेंसेस। ठीक है, आप किसी चीज को उसकी सिमिलैरिटी की बुनियाद पर या डिसिमिलैरिटी की बुनियाद के ऊपर उसको देख रहे हो और बता सकें कि भाई इसका इसमें, जैसे मैं कहूँ अगर लिजर्ड में और क्रोकोडाइल में क्या सिमिलैरिटीज हैं और लिजर्ड में क्रोकोडाइल में क्या फर्क है, कंपेयर करके बताएं आप मुझे, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे कहूँ बटरफ्लाई में और ग्रास हॉपर में कंपेयर करके बताएं मुझे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कंपेयरिंग। फिर आ रही है एक और चीज, दैट्स कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आप अरेंज कर देते हैं चीजों को उनके ग्रुप्स के अंदर। जैसे ऊपर हमने बात की किसकी, कंपेयरिंग की, तो आप यहाँ पर कंपेयर क्लासिफाइंग में आप क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग्स कर देते हैं, आप ग्रुप बना देते हैं किसी चीज को उसके उसकी सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, उसकी डिसिमिलैरिटीज की बुनियाद पर आप उसको ग्रुप बनाकर रख देते हैं कि भाई ये रहा ग्रुप। जैसे मैं अगर कहूँ आप प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दें, तो आप उनके ग्रीन कलर की बुनियाद पर, उनके मूव ना करने की बुनियाद पर उसको प्लांट के ग्रुप में डालेंगे, और मूव करने की बुनियाद पर, खाना खुद खाने की बुनियाद पर आप इसको एनिमल्स के ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेजरिंग की, कि आप मेजर किस तरह से करते हैं किसी चीज को। सही है, अब हम चल रहे हैं, सो किसी भी चीज को मेजर इस तरह से करते हैं कि आपके पास साइंस के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी साइंटिस्ट ने मेजरमेंट्स वगैरह की हुई हैं, और साइंस के जो टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर सिंपल है आपको स्केल से लाइन खींचनी है, तो आपके पास एक मेजरमेंट स्केल है, ये एक स्केल है, उससे आप जब मेजर कर रहे हैं किसी लेंथ को, इंच टेप है आपके पास, अगर आप उससे लेंथ को मेजर कर रहे हैं, आपके पास ये टूल है, आप मेजरिंग कर रहे हैं, आप मेजर कर सकते हैं, तो ये आपके पास स्किल आ गई मेजरिंग की। फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट कर दें इसको,
कम्युनिकेट किस फॉर्म में कर सकते हैं आप? कम्युनिकेट कर सकते हैं आप चार्ट्स की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स की फॉर्म में, या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में। अगर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके, जो भी मेजरमेंट्स आपने ली हैं, आप उसको चार्ट्स और ग्रुप्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, तो इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग। सही है। तो ये पांच प्रोसेस स्किल्स थी, बेसिक प्रोसेस स्किल्स। पहली ऑब्जर्विंग, दूसरी कंपेयरिंग, तीसरी क्लासिफाइंग, फोर्थ मेजरिंग, फिफ्थ कम्युनिकेटिंग। आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस स्किल्स की। सबसे पहला स्किल है इंटरमीडिएट प्रोसेस स्किल, और इसमें हम पहले स्किल की बात करते हैं इन्फरिंग की। इन्फरिंग क्या होता है बच्चों? इन्फरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आई प्लस इंफॉर्मेशन, ठीक है, आई मीन्स आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उस इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ओपिनियन बना देते हैं। और फिर है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है कि आप ये बताएंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी ओपिनियन मैंने बताया है, उसके बाद होगा क्या, व्हाट विल हैपन, ठीक है, कि मैंने जो ओपिनियन बनाया है उसके बाद होगा क्या, ये प्रिडिक्टिंग है, ठीक है, ये सब आ जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। ये है एडवांस प्रोसेस स्किल। एडवांस प्रोसेस स्किल्स में दो मेन स्किल्स हैं, एंड इट्स अबाउट हाइपोथेसाइजिंग। पहले बात कर लेते हैं हाइपोथेसाइजिंग की। हाइपोथेसाइजिंग को मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, और अब हाइपोथेसाइजिंग में बात करते हैं कि ये होता क्या है। ओके, हाइपोथेसाइजिंग है ये कि आप जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जो भी आपको ओपिनियन दिए गए हैं, जो भी प्रेडिक्शंस हुई हैं, आप उनके ऊपर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। इट्स द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन। आप एक टेस्ट करके चेक कर रहे हैं, ये समझ लें आप एक्सपेरिमेंट कर चेक कर लें। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि सामने जो प्रेडिक्शन हुई थी क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा है डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। ये डिफाइनिंग, आप जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्या चीजें हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को चेंज कर सकती हैं, क्या चीजें जो आपके एक्सपेरिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकती, किसका क्या इफेक्ट होगा आपके एक्सपेरिमेंट पे, ये सारी चीजें जानना, समझना, सीखना, ये सब कहलाती है डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आकर आपकी ये क्लास खत्म हो गई है, और आपको जो होमवर्क दिया गया है जिसके अंदर आपने अपने बुक के पेज 9 पे जाना है, वहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है कि साइंस के बारे में बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस, और दूसरा है लिस्ट द साइंटिफिक स्किल्स। तो जितने भी स्किल्स अभी आपने पढ़े हैं आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर ख़त्म हो गई क्लास। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।